कुशीनगर के फेक करेंसी केस में पकड़े गए समाजवादी पार्टी के नेता बबलू खान को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फेक करेंसी को लेकर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पता चला कि बबलू खान यूपी में लव जिहाद का भी मास्टरमाइंड है और वो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों और महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था। रफी अहमद उर्फ बबलू खान, इस चेहरे को अब तक आप अच्छे से पहचान चुके होंगे। समाजवादी पार्टी का नेता जिसे हाल ही में योगी की पुलिस ने जाली करेंसी के मास्टरमाइंड के तौर पर कुशीनगर से धर दबोचा था। साइकिल से लेकर लग्जरी कार तक का सफर करने वाला बबलू खान केवल जाली नोटों के धंधे से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि हैरान कर देने वाले खुलासे के मुताबिक आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बबलू खान लव जिहाद से भी जुड़ा था। दरअसल जांच टीम ने जब सपा नेता बबलू खान का मोबाइल फोन खंगाला तो वो भी हैरान रह गए। सुना आपने, वो खुद ही सोशल मीडिया में इस ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो लड़कियों को झांसे में लेकर शारीरिक शोषण करता था। यही नहीं, वो धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का रैकेट भी चला रहा था और उसके निशाने पर विधवाएं भी होती थी। वो इन लोगों को महंगे गिफ्ट देने का झांसा देता था। इन खुलासों के बाद अब यूपी पुलिस उससे और गहराई से जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी पुलिस से करीब हफ्ता भर पहले ही रफी खान उर्फ बबलू खान और उसके साथी कुछ ऐसे माफी मांग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सपा नेता बबलू खान के कारनामे सामने आ रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। कुशीनगर में जाली नोटों की पकड़ी गई खेप के बाद पहले ही राजनीति हावी हो रही है, लेकिन इस मामले के बाद एक बार फिर बीजेपी हमलावर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम बार बार महिलाओं से छेड़खानी में जुड़ने के बाद खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर हमला बोलते रहे हैं। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। जाहिर है अब एक बार फिर अखिलेश यादव के लिए बचाव करना चुनौती भरा होगा। सूत्रों की माने तो रफीक और बबलू खान के मोबाइल में लव जिहाद का एक ग्रुप सक्रिय था, जिसमें खुद रफीक और बबलू खान आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करता था। ग्रुप का एडमिन खुद रफीक उर्फ बबलू खान था। Z News.